मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफर कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 5701-9809 या तो 5949-8703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। नमस्ते, यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत है जा। आशा है कि जहाँ भी होइबा परमेश्वर के कृपा से स्वस्थ होइबा। आज के यात्रा प्रोग्राम में आप लोग के लिए जात है जा भारत के और एगो पवित्र स्थान पर। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिला में स्थित एगो नगर और प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किलोमीटर दूर गोमुखा जन गंगोत्री हिमानी के अंतिम छोर हते और गंगा नदी के उद्गम स्थान मानल जाला, अर्थात गंगा माई हैजे से शुरू होवेला बहिके। जय माँ गंगे। इस समय हमली जन हैजा गंगोत्री में हैजा, हैजे से यानी कि गोमुख जुनबा हैजा पर ही रहल, लेकिन प्रदूषण के कारण चलते चलते पहाड़ तक चल गल बाते हौजा परी, और हौजा से 19 किलोमीटर से गंगा बह के हैजा परी आवेला। हैजा के पावन पानी जुनबा कबो नहीं सड़ेला, कबो नहीं मौकेला, बल्कि हैजा परी जे कोई आवेला ओके मोक्ष प्राप्त होवेला। तो चला गंगोत्री के यात्रा शुरू करी जा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ हैजा के एगो पवित्र शिलाखंड पर बैठ के भगवान शंकर के प्रचंड तपस्या कर ले रलन। ये पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में ये मंदिर के निर्माण करल गल रहल। ऐसन मान्यता है कि देवी भगीरथी यही स्थान पर धरती के स्पर्श कर ले रलन। ऐसन भी मानल जाला कि पांडव लोग भी महाभारत के युद्ध में मरे होलापन परिजन लोग के अंतिम संस्कार के बाद आत्मिक शांति खातिर इस स्थान पर आके गो महान देव यज्ञ के अनुष्ठान कर ले रलन जा।
बोल गंगा मैया की जय। गंगे मातन श्राम शक्तम त्वन मूर्ति मध्यतुतम देवम देव तदुर्बलम यमुनिया वाचान संपूर्णिया भक्ते नाथ भगीरथेन भगवत पादाच पादाच या नित्यम समपार्सितम विजयते गंगोत्री शर्मणि। जिस स्थान पे आप आए हैं यह राजा भगीरथ तप स्थान है। यहीं पे बैठ के राजा भगीरथ जी ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया, 5500 वर्ष तक। तब जाके गंगा मैया स्वर्ग लोक से सर्वप्रथम इसी स्थान पे उतरी। गंगा उतरी तस्य नाम गंगोत्री, इसलिए यहाँ का नाम गंगोत्री पड़ा। जो गौमुख है जहाँ से गंगा मैया निकल रही है वो गौमुख पहले यही था गंगोत्री। वो बर्फ का पहाड़ है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया पॉल्यूशन होता गया वैसे पिघलते पिघलते आगे चले गया। तो गंगा मैया का अवतरण स्वर्ग लोक से सर्वप्रथम इसी स्थान पे हुआ। शंकर भगवान जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं से सर्वप्रथम इसी स्थान पे गंगा जी को जल रूप में हुआ। और यहाँ पे 5 मंदिर है, मेन गंगा मैया का मंदिर है और यहाँ पे राजा भगीरथ तपस्या लिए। और जिस स्थान पे पूरी भगीरथ शिला है यह भूलोक का वैकुंठ स्थान। जब नारद भगवान जी ने विष्णु भगवान जी से कहा था कि हे नारायण, जो भूलोक में जो भगीरथ तपस्थली है वो है क्या चीज है, तो भगवान नारायण जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, जो भूलोक में जो भगीरथ तपस्थान है वो भूलोक का वैकुंठ स्थान है। भगीरथ तपस्थानम दृश्यलोक विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मित्य जानवि नारदा। ये साक्षात भूलोक का वैकुंठ है, यहाँ पे जो भी अपने पितरों का नाम स्मरण करता है वो वैकुंठ प्राप्त करता है, महाराज स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, क्योंकि ये साक्षात मोक्षदायिनी है। यहीं पे पितरों का उद्धार होता है, जो पितृ दोष होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। घर में अगर आप पितरों के निमित्त 1000 पूजा पाठ करोगे वो दोष वहाँ नहीं कटेगा, यहाँ पे एक पूजा से ही कट जाएगा, क्योंकि ये साक्षात वैकुंठ स्थान है, गौलोक गौमुख है। तो यहाँ पे पितरों के निमित्त गौदान दिया जाता है। घर में अगर आप 1000 गाय दान दोगे यहाँ पे एक गौदान देने के बराबर है, क्योंकि गाय ही पितरों को बैतरणी पुल से पारक कराती है और उन्हें वैकुंठ में वास देती है। तो यह साक्षात तपोभूमि है महाराज, यहाँ पे आप जितना तपस्या करोगे जितना बैठोगे आपको उतना पुण्य फल मिलेगा। हैजा शिवलिंग के रूप में एगो नैसर्गिक चट्टान भगीरथी नदी में जलमग्रह यानी कि पानी के नीचे पावल जाला। ये दृश्य अत्यधिक मनोहर एवं आकर्षक है, एकरा देखे से दैवी शक्ति के प्रत्यक्ष अनुभूति होवेला। पौराणिक अख्यान के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपन जटा के फैला के बैठ गरलन और गंगा माई के अपन घुंघराल जटा में लपेट ले डलन। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा के स्तर काफी अधिक नीचे चल जाला तब इस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होवेला। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3,804 कोड़ी 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर के महुना तथा भगीरथ नदी के उद्गम स्थल है। ऐसा मानल जाला कि हैजा परी बर्फीला पानी में स्नान करला से सब पाप धुल जाला। हैजा के पानी इतना ले ठंडा बा कि हैजा हाथ गोर दलते ही हाथ गोर जम जाला, पर ई पानी में नहैला से जन्म जन्म के पितृ दोष खत्म हो जाला। धेर कोई हैजापन पितृ ऋण उतारे आवेलन जा।
पूजा पाठ आरती अर्चना करला के बाद टीम के सदस्य लोग पिंडा भी चढ़ेलन जा। पच्चीस किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 40 मीटर ऊंचा गौमुख से निकलल ये पानी एकदम पवित्र मानल जाला। इनकरा बोतल में भी भर की जब रखबा कई कब्बो नहीं सड़ेला, कब्बो खराब नहीं हुएला, एकर में कब्बो धूल नहीं बैठेला। ऐसा मानल जाला कि दिव्य स्थान के पानी दिव्य और चमत्कारी है। बस आस्था चाहेला मन में, मानो तो गंगा माँ हूँ न मानो तो बहता पानी। गंग मिलन को जाइए तच माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तू तू यज्ञ समान। गंगा को मिलने की जब आदमी घर से निकलता है ना, तो जैसे जैसे उसके पग गंगा को मिलने के लिए आते हैं, वैसे वैसे उसके हजारों यज्ञ पूर्ण हो जाता है। इतना महत्व है गंगा जी के मिलने के लिए। ठीक है, तो जो नर गंगोत्री दर्शन करे, पूर्ण करे निज धाम, सूर्य कुंड में नहा के पहुँचे वैकुंठ धाम। ये साक्षात गुरुओं का वैकुंठ धाम है। तो यहाँ पे हर किसी के, क्योंकि गंगा मैया क्या है, जो नर तुमको जाता मनोवांछित फल पाता, ये मनोवांछित फल देने वाली है। तो ये साक्षात गंगा मैया, इसमें कोई नदी नाला नहीं है, इससे आगे तो बहुत हजार नदी नाले मिल जाते हैं। तो जो गंगोत्री में गंगा जल है, इसमें कोई नदी नाला नहीं है, ये साक्षात गंगा मैया है। और गंगा मैया की खासियत क्या है, हजार साल तक आप घर में ले जाओगे ना, तो उसमें बदबू नहीं आएगी, उसमें कीड़े मकोड़े ये कभी नहीं पड़ेंगे, इतनी खासियत है गंगा मैया। तो ये साक्षात गंगा मैया है हमारे, हर किसी के भाग्य में नहीं होता गंगा मैया घर ले जाना है, जिसने पुण्य किया है वही ले जा पाता है। गुड़ गंगा मैया। हैजापरी तीर्थ यात्रा के समय अप्रैल से नवंबर है। हैजापरी के लोग और पुजारी लोग गढ़वाली भाषा बोले लंजा। समुद्र तल से 3,140 मीटर के ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर भोज वृक्ष से घिरल बाटे। 6 महीना हैजापरी बर्फ पड़ेला और 6 महीना सगबा यात्रा तय करे। गंगोत्री के गंगाजली मंदिर समुद्र तल से 3,002 मीटर के ऊंचाई पर पावल चाला। भागीरथी के दाहिना ओर से परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहरी है। गंगा माई के इस मंदिर के निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में करल गल रहल। वर्तमान मंदिर जुनबा ओकर पुनः निर्माण जयपुर के राजघराना द्वारा करल गल रहल। हर बरिस मई से अक्टूबर के महीना के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करे खातिर लाखों के संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हैजापरी आवेलन जा। यमुनोत्री के तरह ही गंगोत्री के पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व में खुलेला और दीपावली के दिन मंदिर बंद होला। मानल जाला गंगोत्री शहर धीरे धीरे उ मंदिर के इर्द गिर्द विकसित भेल, जेकर इतिहास 1200 बरिस पुराना है। हैजा जब कदम ही रख ली जा त शरीर में मानव सकारात्मक ऊर्जा बहे लगल, रुआ खड़ा हो जाला, आँख से अपने आप गर्म आंसू बहे के शुरू हो जाला और ऐते ऐते हैजा परी आँख के आंसू भी जम जाला। मानवा स्वर चक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्निहा
भद्रं कर्णी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शबिराजद्राहिरंगे दुष्टभागुंसतनोमहिदेवहितं सतमिन्न सरदुवन्ति देवा जत्रा शकराचर सन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्ज्योरादितिरन्तरिक्षमादिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषय शान्तिः शान्तिर्विश्वैव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति शान्तिरेव यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं सन्नहासुव गणानां त्वा गणपतिं हवामहि प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहि निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहि वसो मम अहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकं मालिके नमानयति कश्चन सशस्तस्वकः शुभद्रेकां काम्बीरवासिनिं मनोर्ज्योतिर्जोखतां मा यस्य बृहद्वतिर्जज्ञमीमन् तन्नो द्वरिष्ठं जज्ञगुं समीमं दधातु विश्वे देवा स इह मादयन् तामो प्रतिष्ठा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वापाधाविनर्मुक्तो धनधान्यं सुसान्वितः मनुष्यो मत्सारेणां भविष्यति न संशयः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधके सर्वे ब्रह्मके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वभूतेषु कामनारूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः रोगं शोकं तापं पापं हरणं क्या है रोगं शोकं तापं ये सार मिटा देती है रोगं शोकं तापं पापं हरमे भगवती कुमति कलापं गंग सकल मद मंगल मूला सब सुख करण हरण सब सोला वृज नदी सब विदमे विष्णु पाद साई में बनो श्री गंगा प्रचोदया सुल गंगा मैया की जय बाहर डालना बाहर अंदर मत डालना गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मानवांचित फल पाता ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योत तुम्हारी चल निरमल आता मैया चल निरमल आता शरण पड़े जो तेरी द्वार खड़े जो तेरी सोनर तर जाता ओम जय गंगे माता जैसा घर के तारे सब जग को जाता मैया सब जग को जाता मेरे पास परम गति पाता ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जननी तेरी
भैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको हर पल, तेरा तुझको हर पल, राजा ने मेरा, ओम जय गंगे माता, ओम करुणागौरम धीर कोई है जा अपन मातृ अपन पितृ अपन पूरा परिवार अपन मृत परिवार जन के मुक्ति मोक्ष खातिर प्रार्थना करे आवेलन जा बुलल जला की हैजा परी सच्चा मन से आराधना करला से सब मनोकामना पूर्ण हो जाला और जब मनोकामना पूर्ण हो जाला तब परेला जाके धन्यवाद के रूप में फिर एक बार गंगा माई के दर्शन करे हैजा परी ढेर कोई आवेलन जा स्नान करेलन जा पूजा पाठ करेलन जा हैजा के जल लेके घरे जालन जा मानल जला कि जोन घर में ई गंगा माई के पानी रहेला हौजा परी कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आवेला। गंगोत्री के प्रवेश द्वार और उकर बाहर जाय होला रास्ता की तरफ जुनबा एगो बहुत बड़ा बाजार बा। ई बाजार में तोरा हर प्रकार की चीज मिलेला, माला पूजा के सामान थाली मूर्ति ई सब हैजा परी तोहरा मिल जाला। एकर संगे संगे यात्री लोग के सुविधा खातिर गरम कपड़ा भी बेचाला और हैजा परी जोन सबसे विख्यात है ई है पानी के जोन रेसिपियां बोलीला जा यानी कि गालों हैजा परी बेचाला जमे से भक्त सकें जा हैजा के पानी अपन देश अपन गांव अपन नगर में लेके जाए और ई पानी जोन है एकदम पवित्र मानल जाला। ई पानी जोन बा अनेक अनुष्ठान में काम आवेला। ई मंडी में यात्री लोग के समय मिलल थोड़ा बहुत खरीदारी करके और हैजा से गंगोत्री के निशानी ले जाके अपन परिवार के अपन घर अपन नगर में दे के ई स्थान के दौरा बड़ी भाग से मिलेला। गंगा तू पावनी पतित पवित्र सबको देत है मुक्ति। बस यही अंतिम शब्द के साथ आज के कार्यक्रम के समापन करत है जा। उम्मीद करत है जा कि गंगोत्री के दौरा करला के बाद तो हर मन के शांति मिलल हुई। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम के तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। आवत सप्ताह फिर मिलब जा और एगो पवित्र स्थान के साथ हमने के साथ जुड़ल रहिया यही चैनल पर यही बखत यही कार्यक्रम यात्रा के साथ।
मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, बनारस जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सफर कीजिए अपना मानव जीवन। यमुनोत्री का दर्शन कर यम त्रास मिटाइए, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कीजिए। उत्तर भारत के लिए अगली यात्रा निर्धारित की गई है 27 सितंबर 2023 से लेकर 22 अक्टूबर तक। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन खातिर कॉल कर 5701-9809 या तो 5949-8703 5949-8703 पर। पावन चार धाम की यात्रा का अपना सपना साकार कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ।